Hey gamers, welcome back to another video. So well, Sunday आ चुका है और ये रहा Android Talks का 16th video. अब जो लोग नए आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि Android Talks एक सीरीज है जहां पे मैं आपको बताता हूं कि आखिर मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. मतलब कि जो भी मोबाइल न्यूज़ होती है, मोबाइल गेमिंग न्यूज़ होती है, उससे मैं आपको अपडेट करता हूं. जो भी आता है मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं. ये वीडियो एवरी संडे को आती है. सो चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी चीज़ आपको हर जगह नहीं मिलती है. तो यार जल्दी से और टाइम वेस्ट करे बिना जल्दी से देख लेते कि वो हमारी कौन सी इस हफ्ते की बहुत सारी न्यूज़ आ रही है बिल्कुल गर्मा गर्म. तो चलो फिर यार बिना टाइम फोड़े लेट्स बिगिन. हमारी जो पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है रैपल्स एम के तरफ से. सो इस गेम की प्री रजिस्ट्रेशन आउट हो चुकी है. अब फिलहाल इस गेम को प्ले स्टोर पर अभी नहीं दिया गया है, तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर प्री रजिस्टर कर सकते हैं. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ. ये एक MMORPG गेम है. सो अगर आपको करना है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है मार्वल स्ट्राइक फोर्स की तरफ से. तो ये एक MMORPG गेम है. तो इसमें नया अपडेट आया हुआ है जिसमें ब्लॉब, ट्वार्ड, आयरन हर्ट और रेड स्किल इन तीन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. सो अब आप इन तीन कैरेक्टर के साथ इस गेम को खेल सकते हो. हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है आइडियल अरीना की तरफ से. सो ये एक RPG गेम होने वाला है जिसका अर्ली एक्सेस अब स्टार्ट कर दिया गया है. सो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ. ये फ्रेड बियर के तरफ से आने वाला गेम है, एक RPG होगा. सो अगर आपको डाउनलोड करना है, अर्ली एक्सेस ज्वाइन करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में. हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है नेक्सन के तरफ से. तो नेक्सन एक गेम डेवलपर कंपनी है. तो इसका एक गेम है स्प्रिट विश जो कि लॉन्च हुआ था 2019 में, और अब इस गेम को कोरिया में शट डाउन किया जा रहा है. तो 1 अप्रैल के बाद से अगर कोई कोरिया में रहता है तो वो अब इस गेम को नहीं खेल सकेगा. हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है पोर्टल डॉग्स की तरफ से. तो ये एक पजल सॉल्विंग गेम होने वाला है जो कि प्ले स्टोर पर फाइनली लॉन्च हो गया. सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे देता हूँ, आप जाके इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो. पर ये गेम आपको 310 रुपये में खरीदना पड़ेगा. सो अगर आपको खेलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर डाउनलोड करके इसके भी मजे उठा सकते हो. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है टिप्स वर्क की तरफ से. तो टिप्स वर्क का एक गेम आता है पास्कल्स वेगर. तो टिप्स वर्क ने अनाउंस किया कि पास्कल वेगर में भी मई तक इसको लॉन्च कर दिया जाए. अभी ये गेम एक RPG गेम होने वाला है, और जैसे ही पास्कल्स वेगर गेम लॉन्च होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा. हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है लॉर्ड्स मोबाइल की तरफ से. अब जिन लोगों को नहीं पता, ये काफ़ी फेमस MMORPG गेम है. सो फिलहाल इस गेम के 4 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 4 ईयर के एनिवर्सरी पे इस गेम ने कुछ नए ट्रूपर्स को लॉन्च किया है अपने गेम में, जिसका नाम है T5 ट्रूपर्स. तो अगर आप ये गेम खेलते हो तो अब आप इस ट्रूपर को अपग्रेड कर सकोगे. हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है नेटीज़ की तरफ से. सो नेटीज़ की तरफ से आने वाला एक गेम है जिसका नाम डेड बाय डे लाइट है, जो कि अदर प्लेटफॉर्म पे है जैसे कि PC या कॉन्सोल्स के लिए. अब ये 4v1 मल्टीप्लेयर हॉरर गेम है, तो अब इससे ऑनलाइन ही होगा. तो अब इसको नेटीज़ पोर्ट कर रहा है मोबाइल फ़ोन के लिए, और नेटीज़ की तरफ से ये कन्फर्मेशन आ रही है कि इस गेम को 2020 के स्प्रिंग के मंथ में लॉन्च किया जाएगा. अब स्प्रिंग के मंथ का बात हो रहा है, यानी कि मई, जून, मार्च, अप्रैल में ये स्प्रिंग का मंथ होता है. सो देखते हैं कि कब तक ये गेम लॉन्च होता है, और जैसे ही होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा. सो गाइस ये थी इस हफ्ते की गेमिंग न्यूज़. उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो. सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए टाटा सायोनारा एंड गुड बाय.